जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय धान्य लक्ष्मी माँ। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा आज मैं बताने वाली हूँ आप हेलो लोगों को। एवरीवन, मैं हूँ मोनिका, मोनिका से ब्लॉग से। तो गाइस, आज मैं अपना जो ब्लॉग है उसमें मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरह से वैभव लक्ष्मी को पास करती हूँ और कैसे विधि विधान से पूजा पाठ करती हूँ वो दिखाने वाली। तो फ्रेंड, मैं आज मैं वही दिखाऊंगी कि किस तरीके से वैभव लक्ष्मी का व्रत को पूरा किया जाता है विधि विधान से, और उसमें क्या क्या आपको चाहिए पूजा सामग्री में वो आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, अच्छा तो लाइक कर देना, और जो नीचे का जरूर करना चैनल को, साथ ही बैल का आइकॉन है तो जरूर प्रेस करना ताकि नए वीडियो अपलोड होंगे नोटिफिकेशन में देख सकेंगे। तो गाइस, आज मैं जो पूजा करने वाली थी मैंने साड़ी पहना हुआ है, क्योंकि पूजा के समय साड़ी ही पहनना अच्छा रहता है। और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे रखाने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ, और मैं उपवास तोड़ने के समय क्या खाती हूँ वो भी आपको दिखाऊँगी बताऊँगी आपको। तो मैं वीडियो चालू करती हूँ। आपको उसके लिए एक पाटा चाहिए। पाटा में आपको एक रेड कपड़ा बिछाना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर आपको लक्ष्मी माता की मूर्ति रखनी पड़ेगी। फिर लक्ष्मी यंत्र रखना पड़ेगा। अगर आपको लक्ष्मी यंत्र नहीं है तो वैभव लक्ष्मी व्रत की जो बुक है उसके पीछे लक्ष्मी यंत्र दिया होता है, आप वो रख दें। मैं भी वही रखने वाली हूँ कि मुझे लक्ष्मी यंत्र नहीं मिला। फिर उसके बाद एक नारियल लेना है, जिसमें आपको मोलरी धागा बांध के टीका विका करके पुष्प चढ़ा के आपको, अगर आपको मन्नत मांगनी है तो आप 11 शुक्रवार की 21 शुक्रवार जो भी मानना है वो आपको उस नारियल को रखना पड़ेगा। और आपको जब भी आप पूजा करेंगे तो आप नारियल को वहाँ पर रखेंगे। तो देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ लक्ष्मी यंत्र, इसे आपको साथ में रख देना है। उसमें टीके वीके करने पड़ेंगे आपको। तो इसी लक्ष्मी यंत्र को सब तैयारी आपको मैं दिखा देती हूँ क्या क्या करना है। आपको दो दिए चाहिए, दोनों दियों में घी का दीपक जलाए। एक दिया आपको लक्ष्मी माता के सामने रखना पड़ेगा और एक आरती के लिए आपको चाहिए। तो मैं दो दिया तैयार कर लेती हूँ। और आपको पुष्प चाहिए, और जो लक्ष्मी माता पे पुष्प चढ़ता है वो गुलहड़ का फूल है, ये रेड वाला फूल। अगर नहीं मिले तो आप गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो है गुलहड़ का फूल ही चढ़ाते हैं, वो लक्ष्मी माता को बहुत पसंद रहता है। और चावल चाहिए आपको मुट्ठी भर, ताकि आप कलश को कभी भी आप ऐसे नहीं रखें, चावल के ऊपर ही आपको कलश को रखना पड़ेगा। और एक मतलब आपको तांबे का लोटा चाहिए जिसमें आपको पानी चाहिए, और उस पानी में थोड़ा चावल डाल के आप उसको कलश बना के रखना है। और उसके ऊपर एक छोटा सा प्लेट कटोरी जो भी है उसमें थोड़ा चावल रख के आपका सोने का जो भी चीज़ आपको रखना है आप, या फिर सोने का चीज़ नहीं है तो पैसा, नगद पैसा या फिर चांदी का जो भी है आपके पास वो रख सकते हैं। और दीपक जला के रख देना है। और प्रसाद के लिए मैंने हलवा बनाया है, आप खीर ना बनाएं। कई लोग बोलते हैं खीर बनाना चाहिए, लेकिन खीर क्या है, उद्यापन के दिन बनाया जाता है, इसलिए खीर नहीं देना चाहिए। आप हलवा बना लो, या फिर नहीं है तो आपके पास शक्कर रख सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं, फ्रूट्स है तो फ्रूट्स रख सकते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन है तो मुझे फ्रूट्स नहीं मिल पाया, मैं हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते, मार्केट पर तो नहीं आया, तो मैं फ्रूट्स नहीं चढ़ा पाई। और मैंने धूप जला के भी रख दिया है, और आप अगरबत्ती भी जला के, कपूर जला के रख सकते हैं। फिर आपको विधि विधान से आपको लक्ष्मी जी का जो वैभव लक्ष्मी व्रत का पूरा करना है। और आप हो सके तो रेड फूल ही भगवान को चढ़ाइए, जो गुड़हल का फूल होता है, श्री यंत्र के सामने देखकर श्री यंत्र को प्रणाम करना है। बाद में लक्ष्मी माता के 8 स्वरूप हैं जो पुस्तक में दिए हैं, उसे प्रणाम करना है। श्री गण लक्ष्मी माँ, श्री धन लक्ष्मी माँ, श्री वैभव लक्ष्मी राम, श्री अधि लक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धान लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ। बाद में नीचे दिए हुए पुस्तक में लक्ष्मी स्तवन का पाठ करिए, जो गहने की पूजा वक्त बोलना है। उपवास के दिन आपको सुबह उठ के नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहनकर जय माँ लक्ष्मी, माँ जय लक्ष्मी कर आपको रट लगाना है, माता का मन ही मन पुकारना है। और आप फिर वैभव लक्ष्मी माता का, अगर आप निर्जला उपवास रख सकते हैं तो वो भी रख सकते हैं, अगर आप नहीं रख सकते हैं तो दो टाइम खाना खा के भी उपवास रख सकते हैं, लेकिन आपको विधि विधान पूर्वक ही करना होगा। मतलब आपको जितना शुक्रवार उपवास रख रहे हैं उसके बाद उस शुक्रवार को पूजा करके उद्यापन करना जरूरी होगा। और साथ ही आपको जो आप नारियल रखें उसे भी उद्यापन के दिन फोड़ना होता है। लक्ष्मी जी का जो व्रत
बहुत ही उत्तम फलदायी होता है, अवश्य फल मिलता है अगर आप सच्चे मन से करेंगे तो। 11 या 21 शुक्रवार जो भी आप मन्नत मांगे हैं शास्त्र विधि अनुसार ही व्रत करना चाहिए, और उसका विधि विधान पूर्वक ही इसका पुस्तक में पूरे दिए हुए हैं उस हिसाब से उद्यापन करना चाहिए। एक बार व्रत करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। तो मैं अभी वैभव लक्ष्मी व्रत का जो कथा है वो मैं पढ़ रही हूँ, और मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए सब पुस्तक में दिया हुआ है, गज लक्ष्मी माता, वैभव लक्ष्मी माता, सब पे आपको टीका लगा देना है और आपको प्रणाम करके जो नीचे लिखा है वो पढ़ के उसके बाद आपको आगे व्रत कथा पढ़ना होगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवासी यात्रा पर गए हों तो वह शुक्रवार छोड़कर उसके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। यह पर व्रत अपने ही घर में करना चाहिए, सब मिलाकर उसे जितना शुक्रवार की मन्नत ली हो उसे उतने ही शुक्रवार पूरे करना चाहिए। घर में सोना होना तो चांदी की चीज़ पूरा जमे रखनी चाहिए, अगर वह भी ना हो तो रोकड़ा रुपये रखना चाहिए। व्रत को अपने घर पर ही करना चाहिए, कहीं जा रहे हैं बाहर तो आप उस दिन शुक्रवार को छोड़ सकते हैं, नहीं करेंगे। और व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्वला हो या सूतक की हो तो वह शुक्रवार को छोड़ देना चाहिए और बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए। पर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने ही शुक्रवार पूरे करना चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी सत्यवान का एक पाठ जरूर करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर ना हो सके तो फल या एक बार भोजन करके शुक्रवार करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमजोर हो तो 2 बार भोजन ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात यही कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी की पूरी श्रद्धा और भावना रखे और मनोकामना पूरी करेगी, ऐसा दृढ़ संकल्प करें। वैभव लक्ष्मी माँ आप पर प्रसन्न हो। इसी प्रकार से आपको सच्चे मन से सच्चे भावना से आपको वैभव लक्ष्मी का व्रत को पूर्ण करना होगा। और साथ ही जो स्त्रियां हैं उन्हें सात स्त्रियों को बुलाना पड़ेगा कम से कम, या कुमारी लड़कियों कुमारी कवियों को बुला के हल्दी कुमकुम करके फिर उन्हें वैभव लक्ष्मी का जो भूख है वो देना होगा, खीर का प्रसाद देना होगा, और इसी तरीके से आपको वैभव लक्ष्मी का व्रत को पूर्ण करना है। तो देखिए मैं अभी आरती कर लेती हूँ, आरती करने के बाद मैं होम दूंगी। और मैंने 11 शुक्रवार का मैंने वो जो व्रत का मैंने रखा है तो मैं 11 शुक्रवार रखूँगी करके मैंने व्रत मान के रखा है। तो अभी मेरे से 5 ही हुए हैं, मुझे और भी बाकी है मेरे करने के लिए। मैं बहुत दिन से सोच रही थी पर मैं नहीं रख पा रही थी, और फूल के कारण, क्योंकि मुझे फूल नहीं मिल रहे थे गुड़हल के फूल, यहाँ मुझे मिल जा रहे हैं आसानी से, तो मैं अभी रखना स्टार्ट करी हूँ। तो अभी मैं इसी तरीके से रखती हूँ मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत का। और मैं आपको बता दूँ मैं क्या खाती हूँ, तो मैं नमक नहीं खाऊँगी करके मैंने सोच कर रखा था, तो मैं पूड़ी खाती हूँ बिना नमक की और हलवा बनाती हूँ जो भोग के लिए, तो फिर वही पूड़ी और हलवा ही बस खाती हूँ। और सुबह 2 से 3 बार चाय पी लेती हूँ, उसके बाद पूड़ी और हलवा का ही मैं प्रसाद ग्रहण करती हूँ। अब आप आपकी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, इसमें 1 टाइम भी खा सकते हैं और जिनकी शक्ति नहीं है वो 2 टाइम भी खा सकते हैं। और आपको बता दूँ आरती करने के बाद बुक में ही दिया था श्री लक्ष्मी महिमा पाठ, तो वो पढ़ लीजिएगा लास्ट में, और श्री महालक्ष्मी की स्तुति है वो भी कर लेना, क्योंकि ये सब स्तुति करना माता के अच्छा रहता है। कभी भी आरती कर रहे हो तो स्तुति करना ज़रूरी होता है, स्तुति करेंगे तो अच्छा होता है। तो इस तरीके से मैं भी महिमा का पाठ पढ़ रही हूँ, स्तुति कर रही हूँ, फिर लास्ट में सब धूप दीप करके सभी पूरे घर में भी आप दिखा दीजिए, अपने आपके घर में पूरे चारों तरफ धूप को दिखा दीजिए ताकि वो शुद्ध हो जाए, अच्छा हो जाए, वातावरण अच्छा रहता है भगवान का, ये जो धूप जलता है उसका। तो मैं वैसे ही करती हूँ, लास्ट में जो धूप होते हैं ना उसे मैं पूरे घर पर चारों तरफ घुमा देती हूँ, आरती अपने बच्चे को अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ, और प्रसाद भी है वो सबसे पहले आप अपने हस्बैंड को अपने बच्चों को खिलाइए। इसी तरीके से मैं अपने व्रत को पूरा विधि विधान से पूर्ण करती हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा आप लोग को वीडियो। और मैं इसी तरह से आप लोग से शेयर करते रहूँगी, आप लोग को अपने ब्लॉग में दिखाते रहूँगी कि मैं कैसे कैसे मेरा दिन जाता है, मैं क्या क्या करती हूँ, मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करना गाइस। और मेरा ये पूजा कम्प्लीट होता है और ये शाम के 4 बजे ही, चार मतलब शाम के 4-5 बजे ही आपको पूजा करना होता है। तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय गाइस।